नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बकरीद को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक, अनुमंडल पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। त्योहार में प्रतिबंधित पशुओं के कुर्बानी पर लगाई रोक, बेहतर माहौल में त्योहार को सम्पन्न कराने की गयी अपील। जमीन माफियाओं के खिलाफ भाजपा नेता सुरेश साव ने खोला मोर्चा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर मानहानि के मुकदमे पर भी जताया विरोध, झारखंड सरकार को दिया अल्टीमेटम। यादवों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले बरजो के निवर्तमान मुखिया का विरोध हुआ शुरू, यादव सेना ने धनवार थाने में दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। और परिवहन विभाग ने शुरू किया सघन वाहन जाँच अभियान, वाहनों के सामने नंबर लिखे रहने की हो रही है जाँच, नंबर नहीं रहने पर कट रहा है चालान। डीडीओ ने कहा माननीयों के अलावे कोई भी नंबर प्लेट में कुछ नहीं लिखा सकता। और अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बकरीद पर्व को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज अदा करने को कहा गया। इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देने का निर्देश दिया गया। पचम्बा थाना परिसर में शुक्रवार को बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलखो ने किया। बैठक में डीएसपी संजय कुमार राणा, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, थाना प्रभारी नीतीश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में बकरीद पर्व में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने में शांति समिति के सदस्यों को अपने अपने इलाकों में तत्परता के साथ जुटे रहने की अपील की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि बकरीद त्योहार में कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम भाई अपने घरों में बकरीद की नमाज अदायगी करें, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं डीएसपी संजय कुमार राणा ने कहा कि बकरीद त्योहार में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने भी बकरीद में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने की बात कही। वहीं अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत स्थानीय थाना से संपर्क करें। मौके पर मुखिया नूर अहमद, ठाकुर दास, अनिल राम, सदानंद वर्मा, सबीर आलम सहित कई लोग उपस्थित थे। हम अपने थाना परिसर, थाना क्षेत्र में जितने सौहार्द से मना सके, शांति से मना सके। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसा सीओ साहब सर ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर किसी तरह की अफवाह आपके सामने आती है तो सबसे पहले मुझे सूचित करें और जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। और किसी भी तरह की छोटी मोटी भी अगर किसी को बात पता चलती है तो मुझे सूचित करें। सभी लोगों को कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के झारखंड सरकार के जो नियम है अभी वर्तमान में प्रभावी है, उसमें कितने लोगों को इकट्ठा होना और क्या क्या संस्थान खुले रहेंगे, बंद रहेंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में क्लियरली डायरेक्शंस दिए गए। वर्तमान में जो पीस कमेटी की मीटिंग पचम्बा थाना में हुई, हमारे यहाँ पे आज अंचल अधिकारी हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं और यहाँ पे हमारे डीएसपी साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है और सबको आगाह किया है कि पहले तो खुद सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, अफवाहों पर कोई ध्यान ना दें। हम लोगों ने लोकल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का पहल किया है और हम लोग सबसे जुड़े रहेंगे। हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन तब रहेगा जब इनके स्तर से भी जो सुझाव बनेंगे तो हमें बेहतर प्रबंधन करने में भी आसानी होगी। और हमने सबसे यही अपील की है कि अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो एग्जिस्टिंग जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की, उसके आलोक में बकरीद ये लोग बनाएं और शांतिपूर्वक बनाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। 12 से 13 जगह जो है स्टैटिक फोर्स दिया है, 12 से 13 जगह स्टैटिक फोर्स हमारी रहेगी और ये कल पेट्रोलिंग पार्टी चलायमान रहेगी। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में
और जितने भी जनमान नागरिक हैं, वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, देश के लोग हैं, उनको भी जोड़ा है। और इसके बाद वो किसी प्रकार की सूचना यदि मिलती है तो इमीडिएट हमें इन्फॉर्म करें और हम लोग इमीडिएट तुरंत उस पर कार्रवाई करें। प्रतिबंधित पशु के संबंध में भी निर्देश दिया गया है कि इनसे आग्रह किया गया है कि प्रतिबंधित पशुओं का जो है आप इस्तेमाल न करें और न ही उसकी कुर्बानी दें, जिससे कि समाज में एक विवस्था फैलती है तो उसको रोकने के लिए जो है ये काम आप नहीं करें, जिससे कि दूसरे लोग जो है। डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा के निर्देश पर शुक्रवार को रोड सेफ्टी के कर्मचारी व ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन के आगे नंबर प्लेट की जांच की। बताया गया कि कोविड के दौरान जांच नहीं हो सकी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार सिन्हा के निर्देश पर शुक्रवार को रोड सेफ्टी के कर्मचारी व ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन के आगे नंबर प्लेट की जाँच की गयी। इस दौरान जिस वाहन के आगे में वाहन संख्या नहीं लिखे पाए गए उस पर 500 रुपए का चालान भी काटा गया। इस बाबत डीटीओ श्री सिन्हा ने बताया कि मार्च 2021 में उच्च न्यायालय के बाद परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान यह जांच संभव हो पाना मुश्किल था, लेकिन अब परिस्थिति सामान्य होने के कारण यह जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी आम व्यक्ति अपने वाहन के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह नंबर छोड़कर कोई भी चीज लिखा होना गैर कानूनी होगा। जानकारी दी गई कि उच्च अधिकारी एमपी व विधायक आदि को छोड़कर सभी गाड़ियों के आगे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना आवश्यक है। वहीं मौके पर मकतपुर चौक, टावर चौक, अम्बेडकर चौक, कालीबाड़ी चौक, बड़ा चौक समेत अन्य स्थानों पर चेक नाका लगाया गया, जिसमें कई मोटर वाहनों को पकड़ा गया और उनका चालान भी काटा गया। मौके पर रोड सेफ्टी के कर्मचारी अविनाश राज, वाजिद हसन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, कृष्णकांत कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी लगे हुए थे। मेरा घर अर्गा घाट हुआ, मेरा पंजाबी मान लग गया। गाड़ी प्लेट नहीं है, उसके लिए गाड़ी रुकाया गया। ये जो नंबर प्लेट है, यहाँ पे नंबर लिखवाना था, इसी तरह का और कोई नंबर प्लेट नहीं है ना, इसलिए रुके हैं। हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, मास्क भी नहीं है। हमको कल पकड़ा गया कि आगे नंबर प्लेट नहीं है, प्लेट नहीं समझे सर। तो आगे जो 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 नंबर प्लेट है, अच्छा आप एकदम बताइए कि क्या आगे जो नंबर प्लेट है वो लिखवाना उचित है या अनुचित है? उचित है सर। उचित है, हाँ उचित। तो आप सोचिए कि कितना गैर कानूनी कर, गैर कानूनी कर, वो सिर्फ नंबर प्लेट लिखवाने के लिए। नंबर प्लेट आपको वहाँ से रोका जा रहा है, आप इतना स्पीड में एक बच्चा लेके चला रहे हैं, दोनों में से कोई मास्क नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, आगे गाड़ी जी आपका गाड़ी आगे नोटराइज नंबर प्लेट है, गाड़ी लगाई थाना में। नहीं नहीं ठीक है, देखिए हम लोग आपके लिए खड़ा हैं, आप लोग ऐसे बात कीजिएगा तो कैसे इतना शिक्षित व्यक्ति हो के यहाँ पे नंबर प्लेट सिर्फ लिखवाना है, महाकाल और कोई भी चीज बिजनेस कोई भी चीज इमरजेंसी काम में जा रहा है। लगातार वाहनों की जांच हो रही है नंबर प्लेट के संबंध में, ऐसा प्रायः शिकायत मिल रहा है कि आदमी नंबर प्लेट को प्रॉपरली नहीं लगाता है। गतव होगा कि एक पीआईएल दायर हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में, पीआईएल संख्या था 419/2020 में, उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 18/12/2020 को विभाग को नीति निर्धारण करने के लिए उनको निर्देश किया गया था।
उक्त आलोक में विभाग के द्वारा अधिसूचना 10/3/2021 मार्च 2021 में निकाला गया था। उन्होंने ब्रॉडली 4-5 कैटेगरी में सारे लोगों को बांटा गया था। एक विधायिका निकाला गया था जिसमें कि आपको माननीय राज्यपाल हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय, और उपाध्यक्ष हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, विभिन्न स्तर के मंत्री हो गए, और MLA सर हो गए, MP सर हो साहब हो गए। इस तरह का ये सारा कैटेगरी आपको आ जाएगा विधायिका पदाधिकार में। उसी प्रकार से एक दूसरा श्रेणी था न्यायपालिका पदाधिकार, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जज आ जाएंगे, आपको मानवाधिकार के आ जाएंगे, माननीय लोकायुक्त आ जाएंगे, महाधिवक्ता आ जाएंगे। इस तरह से 4-5 उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कुल 8 ऑप्शन है। फिर एक आ जाएगा कार्यपालिका पदाधिकार आ जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव आ जाएंगे, जितने भी सेक्रेटरी लेवल से कमिश्नर लेवल के हैं, पुलिस ऑफिसर DGP वगैरह हो गए, सर हो गए, तो ये लोगों के लिए आएंगे। फिर आपको फोर्थ आ गया वैधानिक हो गया, जिसमें झारखंड लोकसभा के अध्यक्ष आ जाएंगे, आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य आयुक्त आ जाएंगे, सचिव राज्य सूचना आयोग आ जाएंगे, अध्यक्ष महिला आयोग आ जाएंगे, अध्यक्ष राज्य विधि आयोग आ जाएंगे, तो ये लोग आपको आ जाएंगे। और फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे आपको। उसी को 3-4 श्रेणी में हम लोगों ने दर्ज किया है। और जैसे कि आपको विधायिका जो हो गया, आपको डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव के एक्ट में उनको रंग का बोर्ड लगाना है, और जो भी जुडिशरी फंक्शन हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग हो गए, सॉरी विधायिका को हरा लगाना है, और सेंट्रल आपको जुडिशरी हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, उनको लाल लगाना है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सामान्य प्रशासन के लोग हो गए, चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे एक्साइज आता है, DPO ऑफिस आता है, तो ये सब इन्फोर्समेंट एजेंसी को नीला आपको लगाना है। इसके अलावा बार बार देखा ये भी जा रहा है कि गाड़ी में शीशा के अंदर में पुलिस, प्रेस, आर्मी, उस तरह का कुछ कुछ बोर्ड रख दिया जाता है, जिसको वहाँ पर नहीं लगाया जाना है। किसी प्रकार का वो कोई भी शब्द इंगित नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन पब्लिक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। साथ में बाइक पर भी, गाड़ी पर भी आगे में प्रेस लिखा रहता है, आर्मी लिखा रहता है, एडवोकेट लिखा रहता है, प्रशासन लिखा रहता है, अन्य तरह का शब्द वाली लिखा रहता है, जाति सूचक शब्द का भी जिक्र होता है। तो वो गाड़ी में उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर प्लेट आगे और पीछे होना नितांत आवश्यक है, पर MB एक्ट आपका है। बहुत लोग पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उसको भी इसी की तरह हमें जोड़ के देख रहे हैं। तो इन प्रावधानों का जो भी कोई उल्लंघन करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 179(1) के तहत उनको फाइन इम्पोजमेंट किया जा रहा है, जो कि 500 रुपये का फाइन होता है। अभी तक ये ड्राइव हम लोग 12 जून के आसपास से इसमें तेजी लाए हैं ड्राइव चलाने में, क्योंकि उसके पहले कोरोना की स्थिति में पूरे प्रशासन इन्वॉल्व था, तो उस समय ये संभव उतना नहीं हो पा रहा था। तो कोरोना थोड़ा शांत हुआ है, तो अब हम ये ड्राइव चला रहे हैं, इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ये इन्फोर्समेंट लगातार चलते रहे। और इसके तहत हम लोग मोटा मोटी अभी तक 66 चलान काट चुके हैं, जिसमें कि आपको 27,000 का राशि वसूली गई है, और ये ड्राइव बीच में चलते रहेगा। ये ड्राइव चलाने का सिंपल ये कंसेप्ट है कि लोग किसी भी प्रकार से आपको कोई भी पावर का मिसयूज नहीं कर सकें, और आम सामान्य आदमी को किसी तरह का क्लियर नहीं हो सके। इसीलिए ड्राइव चला रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि इसका अनुपालन सभी सामान्य नागरिक करें, सभी नागरिक करें जो भी मोटर वाहन को चलाते हैं, और इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालें। जो भी ये दायरे में आएगा, उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, तो उनको दंड के रूप में फाइन। विष्णुगढ़ के 2 वर्षीय बच्ची मेघा कुमारी की मौत गोपालडीह में सड़क हादसे में हो गई। घटना में बच्चे की मां भी घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। वहीं मेघा के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। विष्णुगढ़ के गोविंदपुर कला की 2 वर्षीय मेघा कुमारी की मौत गोपालडीह में सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मेघलाल महतो अपनी पत्नी रीना देवी और 2 साल की बच्ची मेघा रानी को लेकर साइकिल से सोना पहाड़ी आए हुए थे। वापस लौटने के क्रम में गोपालडीह में एक्सीडेंट हो जाने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां भी घटना में घायल हो गई और उसे इलाज के लिए रांची भेजा गया है।
घटना में मेघलाल को भी हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम था बच्चे का? मेघारानी। इसके माता पिता क्या नाम है? मेघलाल कुमार माता और रीना देवी माता। कितने को चोट आई है? पैर पूरा कट के फगा गया था। बच्चे का। और इसके माता पिता? माँ तो अभी बेहोश है, वो काले से अभी कोई होश ना। पैर का मतलब? और इसके पिताजी का? पिताजी हल्का फुल्का में इस साइड से पूरा लगा और माथा में लगा। कौन सा गाड़ी वाला मारा? इन्हें से पीछे से इधर से नमला ने। हाँ तो कौन सा गाड़ी वाला मारा है? कौन गाड़ी था? ट्रक था। बिशनपुर निवासी मोहम्मद मुस्लिम और पेहरा की सारा देवी गांव के मंजरे में ऑटो पलटने से घायल हो गई। घटना के बाद दोनों घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांव के मंजरे में ऑटो पलट जाने से दो लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए शुक्रवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बिशनपुर निवासी मोहम्मद मुस्लिम व पेहरा की सारा देवी घटना में घायल हुई है। बताया गया कि ये लोग एक ऑटो में कई लोग के साथ सवार थे, इसी दौरान असंतुलित होकर ऑटो पलट गया। घटना में इन्हीं दोनों को चोटें आई हैं, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज हुआ। पर्सन ओपी के बोरोटाड़ के रहने वाले नरेश कुशवाहा के साथ उनके गोतिया लोगों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट की। घटना में घायल नरेश का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर थाने में आवेदन दे दिया गया है। पर्सन ओपी के बोरोटाड़ के रहने वाले नरेश प्रसाद कुशवाहा के साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। घटना में घायल नरेश का इलाज शुक्रवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि 44 वर्षीय नरेश प्रसाद कुशवाहा और उनके गोतिया के बीच जमीन का बंटवारा हो गया था। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग नरेश प्रसाद वर्मा की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल होने के बाद नरेश वर्मा को पहले थाना ले जाया गया, जहां से उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मारपीट करने वालों की पहचान लोकनाथ महतो, राजेंद्र वर्मा, मनोज वर्मा, कविता देवी, सविता देवी आदि के रूप में की गई है। घटना को लेकर थाने में आवेदन दे दिया गया है। कहाँ का रहने वाले? बरोटाड़। क्या हुआ था? जमीन जो है ना, रास्ता का लड़ा। तो कौन लोग मारे हैं? उसी लोग, उसी का घर का जो है जमीन के मारा है। गोतिया लोग? हाँ। कब हुआ ये? कब हुआ? आज सुबह। मुफस्सिल क्षेत्र के अंबाटाड़ में शुक्रवार को भाकपा माले के कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के गिरडे विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के हाथों किया गया। उद्घाटन के बाद संगठन को सशक्त करने की रणनीति भी तैयार की गई। मुफस्सिल क्षेत्र के अंबाटाड़ में शुक्रवार को गिरडे विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के हाथों भाकपा माले के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संगठन को सशक्त करने की रणनीति भी तैयार की गई। मौके पर माले नेता ताज हसन ने कहा कि मुफस्सिल इलाके का जीवन सुख सुविधाओं से वंचित है। सरकार की कोई भी सुविधा इन क्षेत्रों तक ना के बराबर पहुंचती है, इसलिए जनता की आवाज बनने के लिए इस क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इधर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मुस्लिम मत को वोट की मशीन समझने वालों ने इस क्षेत्र के विकास कार्यों को कभी नहीं देखा। इस क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, रोजगार की भारी कमी है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस क्षेत्र में दबे कुचले लोग को दबाया जाता है। इन तमाम बातों को कई सालों से सुना जा रहा था, इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया है। बताया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां ऑफिस इंचार्ज मोहम्मद फयाज होंगे, जबकि शफीक अंसारी और मुन्ना अंसारी सहयोग करेंगे। हम लोग के गाँव में अभी बहुत तरह का पानी समस्या है, बिजली का समस्या है, रास्ता भी देखिए कितना मतलब खराब हो गया, खंडर में तब्दील हो गया है। आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। आप चाहते हैं आपके पार्टी आगे बढ़े, हम लोग भी आपका सहयोग देंगे और काम करेंगे। नगर निगम क्षेत्र का जो अंबाटाड़ है, पहले से यहाँ ताज जी हैं और शुरुआती तौर से ही भाकपा माले के साथ में हैं और सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हमेशा साथ रहे। जो भाकपा माले का कार्य करने का तरीका है, वोट की बिना परवाह किए हुए अपने मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाती है। हमको लगा कि इस एरिया में, मुफस्सिल एरिया में बहुत ही समस्या है, जैसे
बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉक जा नहीं पाते और जाते हैं तो कम से कम 50 बार वापस लौटते हैं। थाना की समस्या है तो थाना में भी वही प्रॉब्लम है कि आप गए लौटे, जाना चाहिए थाना कि नहीं जाना चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए थाना क्यों चले जाते हैं। आपका समस्या यदि CO से है, ब्लॉक ऑफिस से है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। जमीन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी जाके थाना में थाना वाले खुद कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। तो उन तमाम क्षेत्रों को, CCL क्षेत्र में इतना प्रॉब्लम है, उन तमाम जो प्रॉब्लम को देखते हुए हमको लगा कि उनको अगर हम गाइड कर दें, उनको हम सजेस्ट कर दें कि किस आवेदन को कहाँ देना है, और जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी बता दें कि ये प्रॉब्लम है, तो वो जो बिचौलिया का चीज़ है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि भाकपा माले सीधा डायरेक्ट काम करना चाहता है। और तमाम लोग, चाहे वो किसी भी प्रकार से वंचित हैं, जो सरकारी कार्य हैं उनसे वंचित हैं, हम लोग यही आवेदन लेंगे, आपके आवेदन को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपसे काम नहीं हो रहा है, हम लोग आंदोलन करके काम करवाएंगे। ये चीज़ हम लोग 10-12 जगह पे विंग तैयार कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं ताज जी को, धन्यवाद देते हैं सलाउद्दीन जी को, और धन्यवाद देते हैं यहाँ के वासियों को। ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार चलना था। और ये हमारे ऑफिस को भी देखेंगे, भैया जी हैं, और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इस एरिया का ही, पूरा मुफस्सिल एरिया का जो भी प्रॉब्लम होगा, इस प्रॉब्लम को इस ऑफिस से सॉल्व किया जा सकता है और मिल बैठ कर बात करके सेट किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं जो आपस का झगड़ा का है, क्या ज़रूरत है कि आप आपस में झगड़, यही पंचायत होकर यही खत्म किया जा सकता है, तो उस पर हम लोग ऊपर लेवल पर भी काम करेंगे। शास्त्री नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में भाजपा नेता सुरेश साव ने एक प्रेसवार्ता आयोजित कर भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। मौके पर इन्होंने पचम्बा बस डिपो जमीन विवाद मामले में बाबूलाल मरांडी पर दर्ज मानहानि के केस को एक सप्ताह के भीतर वापस लेने की मांग की, अन्यथा हेमंत सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। भाजपा नेता सुरेश साव ने शुक्रवार को अपने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला और झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कब्जा हुए जमीनों के भुक्तभोगियों को भी इन्होंने साथ रखा था। बताया गया कि पचम्बा बस डिपो जमीन विवाद से जुड़े सुरेश गुप्ता उर्फ लोहा सिंह, विवादित जमीन राधा कृष्ण ट्रस्ट के राम सुरेश ओझा, उदनाबाद पंचायत जमीनी मामला सीताराम मरिक, मोहनपुर पंचायत धावा पहरी के कोलेश्वर हजाम सहित, जिन्होंने अपने जमीन संबंधित मामले का आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिया था, सभी अपने अपने दुखड़ा सुनाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे। वहीं भाजपा नेता सुरेश साहू ने बताया कि सत्ता के नशे में चूर सदर विधायक ने बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का दावा किया है। इसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सप्ताह के अंदर बाबूलाल मरांडी पर किए गए केस वापस नहीं लेती है तो हेमंत सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। आज गिरिड में किस तरह से जमीन की लूट हो रही है, यहाँ के भूमाफिया लोग और कुछ उद्योगपति सत्ता के संरक्षण में सब खेल कर रहे हैं, उसी के तहत आप एक राजेंद्र नगर का मामला है जो कृष्ण राधा ट्रस्ट का जमीन है, एक वो मामला है जिसको कि भगवान का जमीन है, राधा कृष्ण का जमीन है, उसको भूमाफिया लोग कब्जा करना चाहते हैं। एक वो है, दूसरा है एक उदनाबाद का मामला है, सीताराम मरीक का जमीन को शिवम रोलिंग मिल के मालिक शिव कुमार अग्रवाल के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है, एक वो मामला है, और एक तुरुकटिहा में कोलेसर हजाम हैं, उनके जमीन को सलूजा स्टील के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया। फिर एक विवेक कुमार सिन्हा हैं विश्वास टीके के, वो एग्रो राइस मिल के मालिक जो आदित्य मुंडरा हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है, और एक जमीन है बरवाटी में जो प्रदीप सिंह के दादाजी के नाम पर, उसके जमीन को भी कुछ भूमाफिया लोग। ये तमाम
जो जमीन संबंधित मामला, ये सारे सभी मामला को लेकर के बाबूलाल मरांडी को आवेदन दिया गया और इस पर इसको संज्ञान में लेते हुए बाबूलाल जी ने सरकार को पत्र लिखा है जांच के लिए। अब आप बताइए, पिछले दिनों पचम्बा की जमीन का इसी तरह का मामला बाबूलाल जी के संज्ञान में आया था और आवेदक कर्ता जो है सुरेश प्रसाद उत्तर लोहा से, उन्होंने आवेदन दिया और वहाँ के सैकड़ों ग्रामीण ने भी आवेदन दिया और उसी आवेदन का कॉपी बाबूलाल जी को दिया और बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। अब आप बताइए कि जो जनता की समस्या है, जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? जनता की सुख दर्द में, सुख दुख में शामिल होने के लिए होते हैं, जनता की समस्या को सुलझाने के लिए होते हैं। अगर हम ये काम भी ना करें तो आखिर क्या करें, जनता किस लिए सुने? यहाँ के विधायक जी जो हैं, पता नहीं सत्ता के नशे में कितना चूर हैं, वो जब ये सब समस्या को लेकर के हम पत्र लिखते हैं, बाबूलाल जी पत्र लिखते हैं तो ये तमतमा जाते हैं और सत्ता का ध्वज दिखा करके तुरंत मनहानी का नोटिस भेजते हैं। लेकिन इनके मनहानी के नोटिस भेजने से कोई डरने वाला नहीं है, हमने किसी की मनहानी नहीं की। अगर आप अपना नोटिस वापस एक सप्ताह के अंदर नहीं लेते हैं तो हम आप पर आपराधिक मुकदमा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से मोहनपुर काकड़िया टोला में नाले के जाम रहने व सड़क पर जल जमाव को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। इस बाबत निगम कर्मियों ने इन्हें 2 दिनों के अंदर अवरुद्ध रास्ते को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान मोहनपुर काकड़िया टोला में नाले के जाम रहने व सड़क पर जल जमाव की ओर निगम का ध्यान आकर्षित करवाया गया। बताया गया कि निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत मोहनपुर काकड़िया टोला की समस्या के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने मोर्चा खोल दिया है। मौके पर महासचिव देवेंद्र पांडे, पूजा मंडल, सोनू कुरैसी, अखिलेश कुमार आदि ने मौजूद होकर मोहल्ले से उठकर आए लोगों की बातों को निगम के पदाधिकारियों तक पहुंचाया। इस दौरान एक आवेदन सहायक नगर आयुक्त को दिया गया। इस क्रम में निगम के कर्मियों ने इन्हें आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर अवरुद्ध रास्ते को दुरुस्त करा दिया जाएगा। बताया गया कि 2 दिनों के अंदर अगर समस्या समाप्त नहीं होती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक वृहद आंदोलन को बाध्य होगी। नगर निगम का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोड इन्हें बनवाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आए हुए हैं हम, 3 साल से बहुत परेशान हैं। पानी हमेशा बारिश के जल जाता है, बारिश की वजह से भी जमा हो जाता है और कुछ लोगों के घर का ही पानी बाहर आ जाता है, इससे आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। हमेशा इस कोरोना वायरस की बीमारी से ये आदमी पीड़ित है और दूसरा और मलेरिया टैबलेट से महीनों दिन आदमी बीमार पड़े हुए हैं और हमें लाइट भी नहीं मिल पाता पूरी तरह से और बिजली की समस्या भी ज़्यादा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को रोड बनने वक्त में बोला गया था कि नाली बनेगा, लेकिन नाली नहीं बना और रोड पहले बन गया और वो रोड पूरी तरह मिट्टी से ढक चुका है और रोज आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, हर चीज़ से बहुत परेशान हो रहे आदमी लोग। और ये कह रहे हैं कि मोहनपुर 5 नंबर वार्ड का जो समस्या है, ये ऐसे ज़्यादा रोड कोना साइड पर गया जो पानी चारों तरफ का बरसाती पानी आ करके वहाँ जाम हो जाता है, उसका वजह से इन लोग का, मैं खुद जा करके देखी, उन लोग का घर का तक का पानी पहुंच जाता है, यहाँ तक कि पीने का पानी जो कुआं में है उसमें वो जाके मिल जाता है, तरह तरह का बीमारी फैल रहा है। ये कोरोना काल में हर जगह का समस्या को हल किया गया, बीमारी किससे फैलता है, गंदगी से फैलता है। और ये नगर निगम का जिम्मेवारी है, वो अपना जिम्मेवारी सही तरीके से नहीं निभा रही है। उसके बावजूद इन लोग का चापाकल अगर पानी के लिए ये लोग 20 फीट 40 फीट अगर नीचे करता है, पानी नहीं पहुँचता है, इन लोग का पीने का पानी का भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है लाइट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चे लोग इनका भविष्य नहीं बन पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा और वहाँ का वार्ड सदस्य जो है ना एकदम लापरवाही, और कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको एक डर देखा जाता है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो राशन कार्ड आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो खुद डीलर है।
वो वार्ड कमिश्नर जो मुखिया है उन लोग आवाज उठाने इन लोग को देता नहीं है, गरीब को आगे बढ़ने देता है। ये नगर निगम अगर जगह बनवाते हैं या ठेकेदार जाता है तो नली का जगह देना चाहिए उन लोग को। पानी जाम होने से तरह तरह हरा हो जाता है पानी, उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है गरीब के साथ? छात्राओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इनर व्हील क्लब की ओर से बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में पोर्टेबल फोल्डिंग टेबल टेनिस टेबल डोनेट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार ने इस पहल को लेकर क्लब के प्रति आभार जताया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में पोर्टेबल फोल्डिंग टेबल टेनिस टेबल डोनेट किया गया। बताया गया कि छात्राओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए टेबल टेनिस टेबल कॉलेज को दिया गया है। बताया गया कि पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं का मनोरंजन भी हो, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार ने क्लब के प्रति आभार जताया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष सुधा सिन्हा, पास्ट प्रेसिडेंट मधुश्री सिंह सान्याल, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, क्लब की उपाध्यक्ष रेखा तरवे आदि मौजूद थे। एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला पिछले 15 दिनों से पेंशन के भुगतान के लिए अपने बैंक खाते का EKYC कराने गांवा प्रखंड स्थित इंडियन बैंक का चक्कर लगा रही है, मगर बैंक कर्मी टाल मटोल कर रहे हैं। इस बाबत महिला के नाती ने बताया कि महिला मौसमात है और बेहद गरीब है, इसलिए ये उनका देखभाल करते हैं, मगर इनकी भी माली हालत बेहद खराब है। पिछले लगभग 15 दिनों से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए गांवा प्रखंड स्थित इंडियन बैंक के चक्कर काट रही है। महिला मासूमात है और उनका नाम दुखनी देवी है। महिला का गुजर बसर किसी तरह पेंशन के पैसे से हो रहा था, मगर बीते 7 महीने से उनके पेंशन का भुगतान EKYC नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है। बताते चले कि महिला लगातार 15 दिनों से EKYC करवाने के लिए बैंक के चक्कर काट रही है, लेकिन बैंक कर्मी कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे हैं। महिला के नाती मनोज कुमार ने बताया कि महिला का देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये उनका देखभाल करते हैं, लेकिन इनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। बताया कि महिला को पेंशन के पैसे निकालने के लिए ये बड़ी मुश्किल से टेम्पो से लेकर बैंक आते हैं, मगर हर दिन टाल कर घर भेज दिया जाता है। मेरा एक नानी करीब 80 साल का है उम्र का, 7 महीने से उसको पेंशन नहीं मिला है। उसका कोई आगे पीछे नहीं है, बाल बच्चे कोई नहीं, हम लोग के पास रहता है। बोला कि आधार कार्ड में नंबर जोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है, फार्म जमा के नहीं हुआ, फिर से फार्म भरें। एक नया मैनेजर साहब आए, 7 दिन से घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कुछ ज़्यादा, बोलते कि बूढ़ी आदमी है, टेम्पो पर उसको बैठा के हम लोग को लाना पड़ता है, दो दो आदमी उसको सीढ़ी से उतरने चढ़ने में दो दो आदमी चढ़ाते हैं पकड़ के। मैनेजर साहब बोला क्या करें, हम कंप्यूटर आपको दे दें, नहीं हो रहा, बाकी सब का वैसे ही हो रहा था। आप उनका कौन हुए? हम उसका नाती हुए, हमारा नानी हुआ। कौन सा बैंक में खाता है? इलाहाबाद गाँव में है। नया मैनेजर आया, कुछ बोला समस्या देखने का तो बातें नहीं करते, कुछ एकदम गुस्सा पेपर फेंक देता है, बोला अभी होवे नहीं करेगा, ऐसे है वैसे है, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, एकदम भूख। नानी का क्या नाम है? नानी का नाम है दुखनी देवी है, मसोमायत है, आगे पीछे कोई नहीं है, बच्चे उच्चे भी कोई नहीं है, घर में वहाँ पर भी ताला वाला सब उस सबको सौंप दिया है, हम लोग के पास रहता है। वहीं संबंध में जब बैंक के मैनेजर मुकेश प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वह स्थानांतरण होकर कुछ ही दिन पूर्व गाँव आए हैं। कहा कि जल्द ही महिला का EKYC फॉर्म भरवा कर उनके पेंशन के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि EKYC जो लोग आता है उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे हम लोग कर रहे हैं, जिसका EKYC वेरीफाई होता है उसका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको अगला दिन हम बुलाते हैं। तो इनका आरोप है कि आप 15 दिनों से घुमा रहे हैं? 15 दिन से तो मेरा यहाँ पोस्टिंग नहीं है, 15 दिन से कैसे घुमा रहे हैं इसको? हो सके आपका यहाँ बैंक का स्टाफ घुमा रहा हूँ। अरे कोई नहीं था यहाँ पे, EKYC चालू होगा तब ना करेगा। EKYC जो है ये आधार डिवाइस है, ये काम करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझे? गावा के नगवा स्थित माँ टेलीकॉम में बीते 13 अगस्त की देर रात हुए चोरी की घटना को लेकर आरोपी कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आवेदन के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे के आधार पर उसे गिरफ्तार किया
और उसके घर से चोरी के सामान की बरामदगी भी की। गांवा थाना क्षेत्र के नगवा स्थित माँ टेलीकॉम का ताला तोड़कर विगत दिनों चोरी करने वाले आरोपी को गांवा थाना पुलिस ने चोरी किए गए सामानों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि उक्त दुकान में 13 अगस्त की देर रात चोरी की गई थी। दूसरे दिन टेलीकॉम के संचालक विकी बर्णवाल के द्वारा गांवा थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हालांकि दुकान में सीसीटीवी कैमरा होने के कारण चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई थी। मामले में गांवा थाना पुलिस ने कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके घर से छापेमारी कर चोरी किया गया 8 मोबाइल फोन, मोबाइल उपकरण समेत 5300 रुपए नगद राशि बरामद कर लिए गए। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि दुकान में चोरी के आरोप में कुलदीप को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 13 तारीख की रात को नगवा में एक मोबाइल दुकान तोड़कर गया, चोर द्वारा कुछ नकदी और मोबाइल की चोरी कर लिया था, जिसके आधार पर हम लोगों द्वारा अगले दिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को उठाया था, जिसे घर से हम लोग छापेमारी करके 7 मोबाइल, 5300 नगद और कुछ अन्य मोबाइल बरामद किया है। इसके संबंध में एक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम कुलदीप यादव है, बाप का नाम रजेंद्र प्रसाद यादव है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। धनवार के बर्जो में निवर्तमान मुखिया सह प्रधान मोहम्मद शब्दर अली के द्वारा सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय यादव सेना के गिरिडे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में धनवार थाना में आवेदन दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान कहा गया कि जिस प्रकार जातिगत टिप्पणी की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा। धनवार के बर्जो पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह प्रधान मोहम्मद शब्दर अली के द्वारा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न कराने को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में धनवार थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस बाबत जिलाध्यक्ष ने कहा कि शब्दर अली ने जिस तरह यादवों को गाली दिया है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, जरूरत पड़ी तो धनवार का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक और SDPO खोरी महुआ ने आश्वासन दिया है कि दोषी के ऊपर अविलंब कार्रवाई होगी। समाज के लोग धैर्य बनाए रखें, प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार करें। मौके पर राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, युवा जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार यादव, जिला महामंत्री दीपक यादव, जिला सचिव इंद्रदेव यादव, मीडिया प्रभारी विकास यादव, अभिषेक कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव, जिला कार्य समिति सदस्य अमित यादव, तिसरी से छोटी यादव, नरेश यादव, सतीश कुमार यादव, उमेश कुमार यादव, रुपेश यादव, रामजी यादव, शिव कुमार यादव, सुरेश यादव सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। धनवार प्रखंड के दर्जो के निवर्तमान मुखिया सह प्रधान मोहम्मद सफदर अली के द्वारा जो कुकृत किया गया है, जो बयान दिया गया है, जिससे जातीय हिंसा और उन्माद, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम दंगा, अराजकता फैलने की संपूर्ण संभावना धनवार सहित पूरे गिरिडीह में है, इसकी राष्ट्रीय यादव सेना कड़ी निंदा करती है और हम लोगों ने इसे संज्ञान में लेकर के आज धनवार थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया है और हम सबों की बात SP साहब से, SDPO साहब से भी हुई है। यदि 24 घंटे के अंदर मोहम्मद सफदर अली की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रखंड के बर्जो पंचायत के अंतर्गत वर्तमान मुखिया सफदर अली ने जो ज़्यादा समाज को कलंकित करने का काम किया है वह बिल्कुल ही गलत है। राष्ट्रीय यादव सेना इसकी घोर निंदा करती है और अविलंब उनका गिरफ्तारी हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण जो दिया है उसकी जितने भी निंदा किया जाए वो कम है। इनके शब्दों से हिंदू मुस्लिम में अराजकता फैल सकती है, इसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष देवनाथ राणा ने ग्राम पंचायतों में हो रही परेशानियों के निदान के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को एक आवेदन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान राशन वितरण में गड़बड़ी, मनरेगा में मटेरियल भुगतान लंबित समेत अन्य समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा गया। मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष देवनाथ राणा शुक्रवार को DC ऑफिस पहुँचे और ग्राम पंचायतों में हो रही परेशानियों के निदान के लिए एक आवेदन उपायुक्त को सौंपा। इन्होंने आवेदन में बताया कि जिले के अधिकांश प्रखंडों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल 100% कार्डधारियों को नहीं दिया गया है, जबकि डीलरों द्वारा अनाज प्राप्त कर लिया गया है। इसको लेकर बताया गया कि प्रखंड स्तरीय कर्मियों की मिली भगत से राशन की गड़बड़ी की जाती है, जिससे आम जनता पंचायत के प्रधानों को गड़बड़ी के जिम्मेवार मानते हैं।
इसके अलावा दिए गए आवेदन में बताया गया कि मनरेगा में मटेरियल भुगतान काफी दिनों से लंबित है, जिसका भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। खाद्य आपूर्ति की पंचायत स्तरीय एवं दुकान स्तरीय निगरानी समिति का विभाग द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। इसको लेकर बताया गया कि अब निगरानी समिति की अनुमति से विवरण और भंडारण किया जाए। 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में प्रखंड स्तरीय समिति में अंचल निरीक्षक द्वारा काफी लापरवाही की जा रही है, जिसे डीसी के समक्ष रखा गया। साथ ही पंचायतों में योग्य वृद्ध एवं विधवा लाभुकों को स्वीकृति आदि शीघ्र दी जाए, इन्हीं समस्याओं के निदान की मांग की गई। मौके पर महेंद्र प्रसाद वर्मा, अजय गुप्ता, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद थे। जिला मुखिया संघ के सभी साथी आज आए हैं जिला मुख्यालय, और मामला है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत मई से लेकर के नवंबर तक मुफ्त में प्रति यूनिट 5 किलो चावल देने का व्यवस्था किया है। अभी जो हम लोग को जानकारी मिली है, मई और जून दोनों माह का चावल जिले के अधिकांश प्रखंडों में लोगों ने बेच दिया, आम कार्डधारियों को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा घफला है और ये पूरे जिले का मामला है, और कार्डधारियों के बीच में पदाधिकारी जाना नहीं चाहते हैं। मेरा यह दावा है, मेरा मांग है माननीय उपायुक्त महोदय से कि आप स्वयं गांव के जाके कार्डधारी से पूछिए कि क्या दो बार चावल आपको मिला, तो कोई भी कार्डधारी बोलेगा कि मुझे मात्र एक बार चावल मिला, दो बार चावल नहीं मिला। इसके अलावे आज हम लोग आए हैं कि मनरेगा में कुआं का निर्माण हुआ, उसमें जो सामग्री है, ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो काफ़ी परेशान है। इसलिए उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि इन सब मांगों को उनको आप देखा जाए, क्योंकि लाभुक परेशान। अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी, बगुदर, सरिया आदि स्थानों पर अवैध रूप से संचालित महुआ शराब की भट्टियों में छापामारी की गई। इस दौरान कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया और शराब बनाने के अन्य उपकरणों को और शराब को जब्त कर उत्पाद डिपो लाया गया। उत्पाद विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा गया। शुक्रवार को जब्त सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि उत्पाद विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निजाम खान के नेतृत्व में गुरुवार को डुमरी, बगोदर, सरिया आदि स्थानों पर अवैध रूप से बनाई जा रही महुआ शराब की भट्टियों में छापेमारी की गई। इस दौरान डुमरी के सिमरिया जंगल में संचालित अवैध शराब की भट्टी वजावा महुआ को नष्ट किया गया। अन्य प्रखंडों से शराब बनाने के उपकरण, जार एवं शराब जब्त किए गए। इधर बगोदर क्षेत्र से इस धंधे से जुड़े कुलदीप कुमार, किट्टी महतो, सोना महतो, भोला मंडल, राजू यादव को गिरफ्तार कर बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो लाया गया। इनके यहां से लगभग भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त किया गया। इस संदर्भ में एएसआई निजाम खान ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देशानुसार गुप्त सूचना पर कई स्थानों में छापामारी की गई। बताया गया कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। इस छापामारी दल में हवलदार कृष्णनंदन कुमार, रामवचन राम प्रसाद, सुरेंद्र यादव, जयदेव प्रसाद यादव, श्याम किस्नु यादव समेत झारखंड पुलिस के जवान मौजूद थे। महिला के आदेशा अनुसार हम लोग जो है ये छापामारी अभियान चला रहे हैं, तो हम लोगों को सूचना मिली कि सिमरा टाण गांव है डुमरी थाना अंतर्गत, वहाँ गए तो नारायण महतो के भट्टी पर छापामारी किए, तो वहाँ लगभग 300 जावा महुआ मिला, 300 किलो, और दारू भी करीब करीब हम लोग समझते हैं कि 40 लीटर दारू मिला, शराब महुआ का। उसके बाद वहाँ से गए उन्हीं का भाई है दालचंद महतो, उसे घर पर गए तो घर पर भट्टी चला रहा था, तो वहाँ पर हम लोग छापामारी किए तो करीब करीब समझते हैं कि 400 लगभग 400 किलोमीटर जावा महुआ, 400 किलो जावा महुआ मिला, जो हम लोग नष्ट कर दिए वहीं पर। लाने लायक तो नहीं था, पानी मिला हुआ था मिश्रित, जल मिश्रित, और उसके यहाँ भी करीब 60 लीटर लगभग दारू मिला है, महुआ ये महुआ का शराब। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चले तो आए यहाँ धनवा थाना अंतर्गत बेनो सारण के जंगल में, तो वहाँ भट्टी पर पहुँचे तो भट्टी चला रहा था पंकज कुमार चट्टी का,
उसके वहाँ गए हम लोग तो वहाँ करीब करीब 1000 किलो महुआ जवा महुआ नष्ट किए हम लोग मिला। और उसके यहाँ से दारू करीब करीब हम सोचते हैं कि 100 लीटर लघु दारू था एक प्लास्टिक के ड्राम में रखा हुआ था, तो हम लोग सब नष्ट किया। कुछ असर लाए इसके अलावा सर होटल में भी उसके अलावा फिर वहाँ से चले तो होटल में छापामारी की हम लोग। किन किन जगह पर तो गए हम लोग, पहले बेको गए तो कुलदीप कुमार के यहाँ बगोदर थाना अंतर्गत, तो करीब 4 लीटर 4.5 लीटर महुआ का शराब मिला और उसको अभियुक्त गिरफ्तार किए। फिर गए वहाँ से किटी महतो के यहाँ बेको ही में, तो वहाँ भी उसको गिरफ्तार किए हम लोग। और फिर सोना महतो के वहाँ बेको ही में गए दुकान पर, वहाँ भी मिला, उसको भी गिरफ्तार किए। और भोला मंडल जो है बस स्टैंड में बगोदरे में, वहाँ हम लोग गए तो उसके दुकान में भी करीब 5 लीटर महुआ का शराब मिला, उसको भी अरेस्ट किए। उसके बाद राजू यादव बीएड कॉलेज जो है बगोदर में, उसी मोड़ के पास दुकान है उसका, वहाँ भी दुकान में लोग छापेमारी किए तो वहाँ उसके 5-6 लीटर मिला महुआ शराब, उसको भी गिरफ्तार किए। इस तरह से 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किए हम लोग। तीन करके रहे हैं, तीन तो जो है ये भट्टी वाला जो था उसे फरार हो गया। छापामारी चल रही है और चलती रहेगी इसी तरह से आगे, और आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सीहोडे में $0 ई बिजनेस की शुरुआत करते हुए पैसा कमाना है ई कॉमर्शियल कंपनी की लॉन्चिंग की गई। बताया गया कि एक कोर्स को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन पैसा कमाना सीख सकते हैं। शहर के सीहोडी में पैसा कमाना है ई कॉमर्शियल कंपनी की लॉन्चिंग शुक्रवार को की गई। इस दौरान $0 ई बिजनेस की शुरुआत की गई। इस बाबत कंपनी के संस्थापक आशीष कांत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के पास हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उसे उड़ान देने के लिए लोगों का सहयोग और हिम्मत चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवा ने www.paisakamana.in वेबसाइट तैयार किया है जो गिरिडीह जिले के एक सुदूर गांव साठीबाग के रहने वाले हैं। प्रिंस कुमार, आशीष कांत और अभिषेक ने मिलकर अन्य सहयोगियों के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैसा कमाना ऑनलाइन शिक्षा मंच को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य समय और किसी स्थान पर आराम से ऑनलाइन सीखने और अपने संबंध कार्यक्रम के माध्यम से कमाई करने के अवसर के साथ हर भारतीय घर तक पहुंचना है। डिजिटल उद्यमिता सभी पाठ्यक्रमों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और हर संभव कौशल के लिए पैसा कमाना की टीम काम कर रही है। और इसी क्रम में www.paisakamana.in ने अपना पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका नाम $0 ई बिजनेस है। इसमें आप बिना कोई रुपए खर्च किए कैसे पैसा कमा सकते हैं इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें असाइनमेंट, PDF, वेबिनार आदि भी करवाए जाएंगे, इससे आपका स्किल डेवलप भी होगा। इस मौके पर विवेक विनीत, आशीष, गोविंद आदि मौजूद रहे। आज दिन शुक्रवार को हम लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के गिरिडीह स्थित सीहोडी में अपना ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू किया, जिसका मुख्य रूप से $0 ई बिजनेस को लॉन्च किया गया, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बिना कोई खर्च किए कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज दिन शुक्रवार को सीहोडी में हमने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सीहोडी से, जिसका नाम है paisakamana.in, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसा कमाना सीख सकते हो। जो उसकी स्किल्स है, जो इम्पोर्टेंट है स्किल्स की, वो हम सभी को पता है। आज के टाइम में यार जितना पता आपका डिग्री इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स। लोगों को जॉब नहीं मिलती है स्किल्स के कारण। आपके पास डिग्री है चलेगा, बट कंपनी को स्किल्स चाहिए, आपको वो स्किल आना चाहिए जिससे आप कंपनी को सर्व कर पाओ। लेकिन हम आपको ऑनलाइन पैसा कमाने का जो स्किल है वो बरगंडा रोड में बर्णवाल होलसेल बाजार नाम के कपड़े के एक दुकान का उद्घाटन शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में हर एक तरह के कपड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शहर के बरगंडा रोड में बर्णवाल होलसेल बाजार नाम से एक दुकान का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्णवाल ने फीता काट कर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में हर एक तरह के कपड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन से पूर्व यहां पूजा अर्चना की गई, बाद में फीता काटकर सभी ने प्रतिष्ठान में प्रवेश किया। मौके पर पूनम बर्णवाल, ज्योति देवी, निक्की बर्णवाल, सीमा बर्णवाल, सपना बर्णवाल, सत्यनारायण बर्णवाल,
बिन्नी बर्नवाल, अजय बर्नवाल, राजेश बर्नवाल, विकास बर्नवाल, कन्हैया बर्नवाल, राजन बर्नवाल, अलका, अनुज, अजय, सौम्य आदि लोग मौजूद थे। मंगलम चंद्री का मंगल आज मकतपुर चौक बरगंडा रोड में बर्नवाल होलसेल मार्केट का दुकान का उद्घाटन किया गया। क्योंकि इस दुकान का एक मकसद है कि लोगों को बहुत ही कम रेट पे अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ उपलब्ध हो सके। और जहाँ तक होलसेल मार्केट का सवाल है, तो अगर लोगों को सस्ती रेट में साड़ियाँ मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले सभी लोगों को फ़ायदा होगा और कम रेंज में एक से एक क्वालिटी की साड़ी यहाँ उपलब्ध हो सकेगी। ये गिरिडीह के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि होलसेल मार्केट आपके मगतपुर में खुला है। और जहाँ तक होगी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बहनें भी अगर आती हैं तो उनको खुदरे अगर एक दो पीस भी लेने आती हैं तो निश्चित रूप से उनको सस्ते मूल्य में लेने का कार्य करेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बकरीद को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक, अनुमंडल पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। त्योहार में प्रतिबंधित पशुओं के कुर्बानी पर लगाई रोक, बेहतर माहौल में त्योहार को संपन्न कराने की गई अपील। जमीन माफियाओं के खिलाफ भाजपा नेता सुरेश साव ने खोला मोर्चा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर मानहानि के मुकदमे पर भी जताया विरोध, झारखंड सरकार को दिया अल्टीमेटम। यादवों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले बर्जो के निवर्तमान मुखिया का विरोध हुआ शुरू, यादव सेना ने धनवार थाने में दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। और परिवहन विभाग ने शुरू किया सघन वाहन जांच अभियान, वाहनों के सामने नंबर लिखे रहने की हो रही है जांच, नंबर नहीं रहने पर कट रहा है चालान। DTO ने कहा माननीयों के अलावे कोई भी नंबर प्लेट में कुछ नहीं लिखा सकता। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।